भाषाओं के स्तर पर दोनों देशों में कितनी नजदीकी है, ये भी मैं अपने अमीरात के साथियों को जरूर बताना चाहता हूं। मैं अरबी में कुछ वाक्य बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अल हिंद बल इमारात बी कलम अल जमान बल किताब अदुनिया नकुत्व हिसाब ली मुस्तकलब अब्दल व सदा का बहीना। अल हिंद बल इमारत हिया सर्वतना अल मुस्तरा का फिल हकीका नहनु फी बदैया साइद अली मुस्त कबल जैता। मैंने अरबी में बोलने की कोशिश की है, अगर उच्चारण में कुछ गलती हो तो मैं अपने यूएई के साथियों से माफी जरूर मांगूंगा, और जिन्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है उन्हें मैं इसका अर्थ भी समझा रहा हूं। जो मैंने अरबी में कहा उसका अर्थ है, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कलम किताब दुनिया हिसाब जमीन, ये हिंदुस्तान में कितनी सहजता से बोले जाने वाले शब्द है, और ये शब्द वहां कैसे पहुंचे हैं। यहां गल्फ के इस क्षेत्र से हम दोनों देशों का नाता सैकड़ों हजारों वर्ष का, और भारत की कामना है ये ऐसे ही दिनों दिन और मजबूत होता रहे। साथियों, मुझे बताया गया कि यहां स्टेडियम में इस वक्त सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी आए हैं। आज यूएई में मौजूद भारतीय स्कूलों में ऐसे 1.25 लाख से अधिक स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। ये युवा साथी भारत यूएई की समृद्धि के सारथी बनने जा रहे हैं। ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद के सपोर्ट से पिछले महीने ही आईआईटी दिल्ली के अबू धाबी कैंपस में मास्टर्स को शुरू हुआ है। दुबई में नया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑफिस भी जल्द ही खुलने वाला है। मुझे विश्वास है कि ये संस्थान यहां भारतीय कम्युनिटी को बेस्ट एजुकेशन देने में और मदद करेंगे। साथियों, आज एक एक भारतीय का लक्ष्य 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का है। दुनिया का वो देश जिसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, वो देश कौन सा है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो स्मार्टफोन डेटा कंज्यूम करने में नंबर 1 है? दुनिया का वो देश कौन सा है जो ग्लोबल फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां इंटरनेट यूजर्स के मामले में नंबर 2 पर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है जहां दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है? हमारा भारत। दुनिया का वो देश कौन सा है
जो अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच गया। हमारा भारत दुनिया का वो देश कौन सा है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर अपना झंडा गाड़ दिया है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जो एक बार में 100-100 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना रहा है? हमारा भारत दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने अपने दम पर 5G टेक्नोलॉजी विकसित करके सबसे तेज रोल आउट किया है? हमारा भारत साथियों, भारत की उपलब्धि हर भारतीय की उपलब्धि है। फिर 10 साल में भारत दुनिया की 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गया है। और आप जानते हैं, मुझे हर भारतीय के सामर्थ्य पर इतना ज्यादा भरोसा है। इसी भरोसे के दम पर मोदी ने एक गारंटी भी दी है। मोदी की गारंटी आप जानते हैं, मोदी ने अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी दी है। और मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। हमारी सरकार लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनकी परेशानियां कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। हमने 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर बनाकर दिया है। हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल का कनेक्शन दिया है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है। हमने 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। गांव देहात के लोगों को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए हमने 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए हैं। साथियों, आप में से जो लोग बीते दिनों भारत गए वो जानते हैं कि आज भारत में कितनी तेजी से बदलाव आ रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक आधुनिक एक्सप्रेस वे बना रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए एयरपोर्ट बनवा रहा है। आज भारत एक से बढ़कर एक नए रेलवे स्टेशन बनवा रहा है। आज भारत की पहचान नए आइडियाज, नए इनोवेशंस की वजह से बन रही है। आज भारत की पहचान मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से बन रही है। आज भारत की पहचान एक वाइब्रेंट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बन रही है।